ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर में ठगी का एक मामला सामने आया है। पीड़ित सरीन ने बताया है कि एक व्यक्ति ने बेटी को आंगनवाड़ी केंद्र में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए ठग लिए हैं। 5 साल बीत जाने के बाद भी ना तो बेटी आंगनवाड़ी केंद्र में ही उसकी नौकरी लग पाई, ना ही आरोपी उसके पैसे लौटा रहा है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में तहरीर दी है। वहीं जसपुर के कोतवाल अशोक कुमार ने बताया है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नौकरी के चक्कर में दिए थे कि नौकरी लगवागा लड़की की, आंगनवाड़ी की ना लगवाऊंगा तो किसी और की लगवा दूंगा। बहरहाल लगवाने को कह आया था सुरेंद्र सिंह ने 1.5 लाख चल गया। उन्होंने कहा था कि 1.5 महीने में तुम्हारा कॉल लेटर दे दूंगा मैं, हमने 1.5 महीने में कॉल लेटर आ जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम्हारी लड़की की। मैंने कहा ठीक है, हम तो लालच के मारो मर गए, और कोई बात थोड़ी थी। 7 लड़की हैं हमारी, एक हमारा छोटा सा लड़का, तो आ गए मैंने दिलवा दी ब्याज पे लेके मैंने दे दिए। मैं कह रही चल 1.5 महीना कोई ज़्यादा ना होता तो, मैं कह रही जब 1.5 महीने के बाद नौकरी लग जाएगी तो मैं पैसे उनके पास दे दूंगी जिनके मैंने लिए हैं। नहीं, मैंने अशोक से भी फ़ोन कराया, इससे भी 2 साल हो गए फ़ोन कराए हुए। अब हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे पैसे मिल जाए किसी तरह, बस वो पैसे। यहाँ अभी इसी समय जो है एक सरीन नाम की महिला आई हुई है, जिनके द्वारा बताया गया है कि एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी बेटी की नौकरी लगवाने के नाम से जो है 1.5 लाख रुपए किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए हैं। तथाकथित पत्रकार भी बताती हैं, तो उनके इस संबंध में पहले जांच की जाएगी, जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।